हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेट ईसी क्रॉनिकल चैनल। हम बीजेटी एनालिसिस कर रहे हैं। सो ये 2010 में क्वेश्चंस आए थे, एक ही सर्किट से रिलेटेड दो क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स के लिए आया था ये। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर दे रखा है, राइट। अभी हम इसको क्वेश्चन आपको ऐसा दे रखा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के साथ दे रखा है, आपका एमिटर जंक्शन डायरेक्ट, और एक यहाँ पे आपका एक C2 लगा हुआ है, उसके अक्रॉस हमारा एक लोड RL रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और RL के अक्रॉस ही हम आउटपुट ले रहे हैं। राइट, और ये RC आपका 10 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक आपका RB भी लगा हुआ है, बेस रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बेस से। यहाँ पे एक आपको C1 दे रखा है, C1 के साथ आपको एक RS गिवन है, RS के साथ आपके यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई VS गिवन है, राइट। और आपसे पूछ रहा है, ये दो क्वेश्चन है, एक तो ये पूछ रहा है कि VS के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस बताना है। VS से अगर हम रेजिस्टेंस देखें कितना है, और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ड्यू टू C2, उसके C2 की वजह से जो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, राइट। और आपको ना इसने सीधी डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रखी हैं। अगर आप क्वेश्चन देखो तो इसमें दे रखा है आपको बीटा 100, GM की वैल्यू भी दे रखी है 0.386, R0 आपको इन्फिनिटी दे रखा है, RPI आपको 259 ओम दे रखा है। अभी आप देखो ये कौन से मॉडल के सारे पैरामीटर आपको गिवन है, पाई मॉडल के गिवन है, तो क्वेश्चन ने आपको इंडिकेट कर दिया। अगर आप इसको पाई मॉडल की हेल्प से सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी रहेगा। सिमिलरली आपको RS भी गिवन है, RB भी गिवन है, RS की वैल्यू आपको दे रखी है 1 किलो ओम, RB दे रखा है 93 किलो ओम, RC आपको ओम में दे रखा है, ये हो गया 0.250 किलो ओम, RL भी आपको दे रखा है 1 किलो ओम, C1 की वैल्यू आपको दे रखी है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 1/ωC होएगी ना, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। C2 की आपको वैल्यू दे रखी है 4.7 माइक्रोफेरेड, इसका क्रॉस इसने हमसे फ्रीक्वेंसी भी पूछी है, राइट। अगर आप देखो ये एम्पलीफायर है, इसका मैं स्मॉल सिग्नल गेन मॉडल अगर ड्रॉ करूँ पाए मॉडल ही, तो कैसा बनेगा? उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए होता है हमारा, कैसे, पहले आप सिंपल बना लो, दिस इज़ RPI, राइट। यहाँ पे एमिटर, यहाँ पे आपका आ जाता है GMVPI, और उसके अक्रॉस आ जाता है आपका R0, बट R0 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, इन्फिनिटी, दैट मीन्स ओपन है, कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अभी आप इसको देखो, अब यहाँ पे आपका इस एमिटर के अक्रॉस क्या कनेक्टेड है, ग्राउंड, आपने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अभी कलेक्टर वाले पे क्या क्या कनेक्टेड है, RC और RL, आपको पता है कि मेरा DC सप्लाई ग्राउंड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है आपका एक RC और एक आपका क्या है RL, ये दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड है, राइट। और इस RL के अक्रॉस हम V0 ले रहे हैं। अगर हम इस पे देखने आए हैं बेस पे, अब ये ग्राउंड से कनेक्टेड होगी ना हमारी सप्लाई, तो ये भी RB यहाँ पे, और इसके साथ एक कनेक्टेड है हमारा RS, और वहाँ पे है हमारी एक VS सप्लाई, राइट। अब ये नोट दोनों सेम है, इसको अभी इसने आपसे पूछा है VS के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस बतानी है। अब मान लो यहाँ से कुछ भी करंट जाएगा I, यही वाला रूप है, यहाँ पे आके वो सीधा ग्राउंड में चला जाएगा, तो I किस किस के अक्रॉस जा रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, वोल्टेज और करंट। तो आप ये देखो क्या R इक्विवेलेंट बन रहा है, RS प्लस RB पैरेलल RPI, राइट। ये कैसे लिखा, अब मान लो मैं इसको लिख लेती हूँ R1, इस ओवरऑल को मैंने मान लिया R1, तो ये सर्किट क्या बन गया, बेसिकली VS, एक RS है और एक हमारा R1 है, राइट। तो सीरीज में क्या बना, RS प्लस R1, सो दिस इज माय R1 ओनली, लेकिन R1 के RB पहले RPI, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यूज पुट कर दूं तो क्या आंसर बनेगा मेरा, RS आपको कितना दे रखा था 1 किलो ओम, RB कितना दे रखा है आपको 93, RPI दे रखा है आपको 0.259,
जब आप इसको सॉल्व करोगे सो दिस इज़ 1 प्लस दिस कम्स आउट टू बी 0.258 किलो ओम, सो दिस इज़ 1258 ओम। ये आपका हो गया आर सीन रेजिस्टेंस सीन अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स वी एस, राइट। दिस वॉज योर पार्ट नंबर 1, 2 मार्क्स के लिए था ये। अब पार्ट नंबर 2 बोलता है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ड्यू टू सी टू, सी टू आपको यहाँ दे रखा है, राइट। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे, आपको पता है एफ सी टू का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है आर और सी के टर्म्स में, 2πRC। ठीक है, सी टू आपको दे रखा है सी टू। अब हम आर कैसे निकालेंगे इसका, उस आर के लिए हम क्या करेंगे, उस कैपेसिटर को ओपन सर्किट करेंगे। अगर हम सी टू को ओपन सर्किट करें तो यहाँ से ये हट गया, इसके अंदर कितना हमारा आर बन रहा है, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स सारे शॉर्ट हो जाएंगे, करंट सोर्स सारे ओपन हो जाएंगे। अब आपका वोल्टेज सोर्स तो सिर्फ एक ही यहाँ पे वी एस ही है, इसको मैंने शॉर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ इंडिपेंडेंट सोर्स आई नहीं, वी पाई हमारी यहाँ पे होती है ना, वी पाई आपकी क्या हो गई, 0, ये 0 हो गई, तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, आपका कुछ रहा ही नहीं, ओपन है, तो आपका सिर्फ RC और RL का कॉम्बिनेशन रह गया। अब मैं उस नोड के अंदर देखूं, तो ये क्या बन रहा है, RC प्लस RL बन रहा है, तो आपका R कितना आ गया, RC प्लस RL, राइट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, दिस इज़ 1/2π इंटू में RC कितना दे रखा है आपको 0.250 किलो ओम, RL कितना दे रखा है 1 किलो ओम, तो ये बन गया 1.25 किलो ओम, और C2 कितना दे रखा है आपको 4.7 माइक्रो, सो ये ओवरऑल 10^-3 बन गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 27.1 हर्ट्ज। सो बेसिकली हमने क्या किया, एक जो हमें दे रखा था, हमें पैरामीटर गिवन थे, हमें पता चल गया कि पाई मॉडल के सारे पैरामीटर गिवन है, हम तो पाई मॉडल से ईजिली सॉल्व हो जाएगा। हमें जो एम्पलीफायर रखा था उसका हमने पाई मॉडल बनाया, फिर उसने रेजिस्टेंस पूछी थी, रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया हमने इसके अक्रॉस, राइट, और उसने हमसे C2 का पूछा था, C2 भी आपका निकाल दिया। सो दिस इज़ 27.1, दिस इज़ 1258 ओम आया था, दोनों ऑप्शन नंबर बी हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 56। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 56। ये बेसिकली LC ट्यून एम्पलीफायर है, अगर आप इसका अपर पार्ट से ही आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था 2011 में, डायरेक्ट हो जाता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है, देखो C1 और C2 आपको लार्ज दे रखे हैं, C1 और C2 लार्ज हैं, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, कुछ इंपिडेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये शॉर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस कैंसिल हो गया, आपका ये सी विद बाईपास कैपेसिटर बन गया, राइट, और ये C2 भी शॉर्ट हो गया। अब इसने आपसे पूछा है गेन मैग्नीट्यूड V0/VI एट 10 मेगा हर्ट्स, 10 मेगा रेडियन पर सेकेंड के हिसाब से, राइट। तो V0/VI पूछा है इसने मैग्नीट्यूड, आपका V0 यहाँ गिवन है, VI यहाँ गिवन है, मेरे कैपेसिटर शॉर्ट हो गए। अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि गेन मैग्नीट्यूड, अभी सी एम्पलीफायर है, ये मैक्सिमम गेन देता है आपका। LC ट्यून्ड होने का क्या मतलब है, अकॉर्डिंगली वी कैन मैरी आर गेन। अब ये जब रेजोनेंस में होएंगे ना तो ये मैक्सिमम में होएगा। आप ये रेजोनेंस में कैसे चेक करते हो, ये सर्किट XC का मैग्नीट्यूड मस्ट इक्वल्स टू XL का मैग्नीट्यूड, ठीक है। XC का मैग्नीट्यूड क्या होएगा, 1/ωC, ये क्या होगा ωL, 1/ω कितना दे रखा है 10^10^6, सी कितना दे रखा है आपको 1 nF, 1×10^-9, ये क्या आ गया 100। सिमिलरली अगर आप ωL देखो, ओमेगा कितना है 10×10^6, L कितना है 10×10^-6, ये कितना आ गया 100। आपका XL इक्वल्स टू XC आ गया मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, ठीक है। और आपसे ये क्या हो गया, रेजोनेंस में प्रूव हो गया LC ट्यून्ड है, तो इसका करंट वोल्टेज गेन सॉरी मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली LC का कॉन्सेप्ट है, अभी तो सिलेबस में नहीं है, उस टाइम पे था, उस टाइम भी ओवरव्यू था, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, कुछ कैलकुलेशन नहीं था,
सिंपल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 56।